हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल सो स्मार्ट स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हमने भारत के ऊर्जा संसाधन संबंधित पार्ट 1 पार्ट 2 वीडियो को अपलोड कर दिया था। आई होप आप उसे रीड और राइट भी कर चुके होंगे। तो फ्रेंड, इसी के आगे बढ़ते हुए इस टॉपिक का ये अंतिम वीडियो होगा जो कि पार्ट 3 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कोयला उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में अमेरिका और चीन के बाद कौन सा है? तो फ्रेंड्स, कौन सा है? तीसरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में कोयले के उत्पादन का कितने प्रतिशत से अधिक गैर कोककारी कोयले का उत्पादन होता है? तो फ्रेंड्स, कितने प्रतिशत? 90%। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयले की सर्वाधिक खपत किसमें होती है? तो फ्रेंड्स, आप सभी लोग जानते हैं कोयले की सबसे ज़्यादा खपत किसमें होती है? विद्युत उत्पादन में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत कोयले का कुछ निर्यात अपने किन समीपवर्ती देशों को करता है? तो फ्रेंड्स, किसको करता है? म्यांमार, श्रीलंका, पाकिस्तान व सिंगापुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत अच्छे किस्म का कुकिंग कोयला किस देश से आयात करता है? तो फ्रेंड्स, किससे करता है? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल सिंचित भंडार का कितने प्रतिशत कोयला गोंडवाना काल का है? तो कितने फ्रेंड्स? 96% जो है कोयला कहाँ का है? गोंडवाना काल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत भाग गोंडवाना काल के कोयले से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड्स, कितने? 98%। फ्रेंड्स, ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं फ्रेंड्स उसी टाइप के क्वेश्चन लेके आता हूँ जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आई होप इन्हें आप अच्छे से रीड करेंगे और राइट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में मिलने वाला गोंडवाना काल का कोयला मुख्यतः किस प्रकार का है? तो फ्रेंड्स, किस प्रकार का? बिटुमिनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कोयला उत्पादन में अग्रणी 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, कौन कौन से हैं? झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश व आंध्र प्रदेश। तो फ्रेंड्स, आपसे हरदम ये पूछ लिया जाता है सबसे ज़्यादा कोयला कहाँ पाया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए तो आप जरूर झारखंड पे आप टिक करिएगा, दूसरे पे छत्तीसगढ़ पे, तीसरे पे उड़ीसा पे, अगर चौथा पूछे तो मध्य प्रदेश पे, पांचवा आंध्र प्रदेश पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम में पहली बार 1835 में पेट्रोलियम किस क्षेत्र में मिला? तो फ्रेंड्स, किस में? माकूम में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम में वास्तविक उत्पादन कार 1890 में कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो फ्रेंड्स, डिगबोई से प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम में कौन सी घाटी खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सी घाटी फ्रेंड्स? सोरमा घाटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, असम के नाहरकटिया एवं हुगरीजान मोरान क्षेत्र का तेल पाइपलाइन द्वारा कहाँ भेजा जाता है? तो फिर नून माटी एवं बरौनी, जो कहाँ पे है? बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, भारत में प्राकृतिक गैस के भंडार कहाँ कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, खंबात की खाड़ी जो कि गुजरात में है, अंकलेश्वर ये भी गुजरात में है, बॉम्बे हाई जो कि कहाँ है? महाराष्ट्र में है, मोहरा नहर मोहर मोहरा कहाँ है? आसाम में, नाहरकटिया भी आसाम में है, नामटिक, नियो, ओपांग एवं लापटांग पंग ये कहाँ है फ्रेंड्स? अरुणाचल प्रदेश में है, बारामूरा श्रेणी जो कि त्रिपुरा में है, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, फिरोजपुर जो कि पंजाब में है, मिदनापुर पश्चिम बंगाल में है,
नौसर मुरादपुर जम्मू कश्मीर में है, तंजावुर और सिंगल पेट जो कि कहाँ है तमिलनाडु में है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंकलेश्वर किस राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है? तो फ्रेंड्स किसका है, गुजरात का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गुजरात का दूसरा प्रमुख तेल क्षेत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह है खंबात जो कि लुनेज क्षेत्र में है। फ्रेंड्स यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कृष्ण गोदावरी के तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडारों की खोज किसके द्वारा की गई? तो फ्रेंड्स रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंध्र प्रदेश राज्य में किन क्षेत्रों से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस का उत्पादन हो रहा है? तो किसका हो रहा है, लक्ष्मी और गौरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत के कुल ऊर्जा संसाधन में प्राकृतिक गैस का योगदान कितना है? तो कितना है, 9 से 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान अपनी आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है? भारत जो है अपनी आवश्यकता का लगभग कितने प्रतिशत पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करता है? तो फ्रेंड 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, और ये इस टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन होगा, आई होप इसे आप अच्छे से रीड और राइट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सौर ऊर्जा के दोहन के लिए सरकार ने जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन की शुरुआत कब की? तो फ्रेंड्स 11 जनवरी को की। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो डालूं सबसे पहले आप तक पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।